रात के बज चुके हैं डेढ़। भावनगर से पहुंच गए थे हम 12 बजे, फिर गए शेल्टर पे, नहाए धोए फ्रेश हुए। पहले थक गए थे, सोचा सो जाते, आज नहीं निकलना है घर बार बार देखने के लिए। खेलने का तो आज प्रोग्राम बन ही नहीं सकता क्योंकि थक ही इतने गए, बट फिर सोचा कि चलो खेलते रहिए, बट जाके देखते और आप लोगों को भी दिखा दे कि विद्यानगर की नवरात्रि कैसी होती है। आप दोनों साइड पब्लिक देख के समझ तो गए होगे कि इधर की नवरात्रि आनंद विद्यानगर की कैसी होती है। बाकी की तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो आज हम जाएंगे सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए, कुछ खेलेंगे वेलेंगे नहीं, गरबा देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि कैसा इधर का माहौल है। और आप पब्लिक देखो भाई, हम आए ना आधे एक घंटे से हमारा पार्किंग ढूंढ रहे थे, पूरा सर्कल घूमे, तब जाके उस साइड कहीं हमने गाड़ी लगाई है, मांड मांड पार्किंग मिला है, कैसे भी करके लगाई है। ऐसा लग गया कि भाई गलती कर दी हमने, बड़ी गाड़ी लेके, उससे अच्छा कोई स्कूटर वूटर ही लेके आना था, बाइक वाइक ही लेके आनी थी, बट सोचा चलो अब आ ही गए तो कल से वो गलती नहीं करेंगे। और अगर कल से आना होगा तो थोड़ा जल्दी आ जाएंगे क्योंकि अभी पीक टाइम है, 1:30-2 बजे अच्छा खासा गरबा चालू होता है। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं चल के, बहुत दूर है यहाँ से ग्राउंड, ऑल्दो ग्राउंड हमने देखा भी नहीं है, बट ढूंढ लेंगे। पब्लिक जहाँ जहाँ जाती वहाँ हम पीछे पीछे चलेंगे और आपको भी दिखाएंगे गरबे का माहौल कैसा और नवरात्रि का माहौल कैसा। जैसे जैसे हम लोग को सब देखते जा रहे हैं, बट हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम ऐसे व्लॉग करेंगे और आगे करते रहेंगे। आप मानव मेदनी देख सकते हो कितनी, और इधर हॉर्न भी सब मार रहे हैं, बट किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो कैसा है, कोई समझना नहीं चाहता है देश। अब देखो पब्लिक देखो, इसका मैं अब क्या बोलूँ, ऐसे वो इतना तो किसी मेले में भी नहीं होता, इतना पब्लिक है इधर। इसका मेन इफेक्ट क्या है कि पिछले 3-2 साल से कोरोना के चक्कर में ठीक से नहीं हो पाई थी नवरात्रि, इस बार कुछ है नहीं, रिस्ट्रिक्शन करके बहुत ज़्यादा ही रश होए। और हर जगह ऐसा है, इधर का बात नहीं करो, हर सिटीज़ में, हर मेट्रो सिटीज़ में ऐसा है, गाँव वाँव में कम होगा, बट इधर तो भाई बहुत भारी वाला है। और कोई कोई लोग इतने बुद्धिजीवी होते हैं जो बीच में इतनी बड़ी गाड़ी डाल देते हैं, उनको पता है कि लोग इतने चल के आ रहे हैं तो मेरे को इधर नहीं डालनी चाहिए, बट क्या करते हैं, भगवान ने जब बुद्धि बांटी होगी तब ये भाई कुछ खाना वाना खाने चले गए होंगे। मजा में ऑल गुड, ओके। अभी मेन गेट तो उस साइड है, बट अभी उसमें सीन कैसा है, हम लोगों के पास पास नहीं है, उसमें क्या होता है खेलने के पास अलग होते हैं, देखने के अलग होते हैं। देखो ऐसे लोग होते जो व्लॉग भी नहीं कर रहे थे, ऐसा बोल रहा हूँ, खेलने के पास कहाँ से मिलते और देखने के पास कहाँ मिलते वो पता नहीं है, अभी ढूंढना पड़ेगा ना योगी भाई। अरे ढूंढते हैं, आओ जो टिकट बारी क्या, हाँ रहे हो भाई, उधर है उधर जो टिकट बारी हम ढूंढ रहे थे वो अंदर है। और पब्लिक तो भाई इधर देखो, ऐसा कीड़ी मकोड़े की तरह पब्लिक पब्लिक ही है, पब्लिक पब्लिक है, गरबा की तरह वो मिल नहीं रहा है, पब्लिक तो मिल गया है। वो आर राजू वाली स्टाइल में बोलो, वो दोस्तों अभी गरबा नहीं मिला है, पब्लिक मिल गया है, तो उधर टिकट वाला है, तो पहले चलिए उधर चलते हैं, पहले टिकट लेते हैं फिर आगे बढ़ते बढ़ते हैं। तो बराबर है 10 रुपये, 20 रुपये का एक टिकट है, 10 रुपये। और ये मेन गेट क्या बोल रहे हो, ऐसे कैसे 10 सारे, हाँ ऐसे वो कैसे दिया मेरे को ही पता है, तो इधर तक तो कैसे पहुंचे हम लोगों को ही पता है। ये इसका मेन गेट है, हार्ट किलर नाम है, जो मैं आपको ग्राउंड का नाम ही बोलना पहले से ही भूल गया था, जो है ऑर्गेनाइज करता है। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर की ओर जहाँ सब गरबा वरबा खेल रहे होंगे।
ऐसा माहौल होगा बट अंदर आके पता चला बहुत भयंकर वाला माहौल है। और 40 रुपए हमने वेस्ट कर दिया, कोई टिकट भी चेक नहीं कर रहा था। बहुत अफसोस हुआ, दिल पे पत्थर रखा। बहुत पब्लिक इतना है ना, उसका कोई बात नहीं। बस मुझे पता नहीं पब्लिक आज कल संडे, उसकी वजह से पता नहीं क्या रीजन है, बट बहुत गंदा वाला पब्लिक है। पब्लिक ने इस साइड ही चालू कर दिया है, उस साइड जगह उनको पता चला ग्राउंड में हमें कोई लेने वाला नहीं है। और हम कब से हमारे दोस्त लोग को ढूंढ रहे हैं पर यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। मेरे को लग नहीं रहा सुबह तक हम किसी को मिल पाएंगे। आई होप मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। अभी 3 बज चुके, 3 बजे अभी लड़के लोगों का एंट्री हुआ, ऐसा कुछ है ना भाई? अब पर हमारे पास पास वास का सेटिंग है नहीं, अभी कल कुछ सेटिंग करके और ये नवीन भाई को ढूंढते आधा घंटा तो अंदर ऐसे ही चला गया, तब जाके ये भाई मिला। अंदर मानव उम्मीद नहीं इतनी ज़्यादा है ना, अब हम कंटाल चुके क्योंकि थके इतने, पूरा ड्राइविंग कंटिन्यूस था। फिर सोचा आप लोगों को थोड़ा बहुत विद्यानगर आनंद का नवरात्रि दिखा था, वो कैसे कैसे होता है, तो सब मेरे को देख रहे बट मेरे को फर्क नहीं पड़ता और है। बटरफ्लाई बहुत है अंदर, और बटरफ्लाई लाइट की वजह से है ना, बटरफ्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं बहुत। और बीच बीच में भमरे भी आ रहे हैं बट उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम वापिस कल मिलेंगे, कल पूरा प्लानिंग करेंगे, ट्रेडिशनल पहनेंगे, पास का सेटिंग करेंगे। प्लानिंग नहीं, फिर भाड़े पे कुर्ता लाएंगे दोस्तों, सिर्फ आपके लिए। और चलिए अब मिलते दूसरे व्लॉग में, बाय कर दो, बाय बाय।